Hello my dear friends, how are you all? So here I am with my next lesson, lesson number 4, right? In this lesson, we will continue with the uses of the, right? In our lesson number 3, we discussed about two uses of the, clear? Now in this lesson, lesson number 4, we are going to discuss about the more uses of the, right? So third use kya hai hamara? The third use of the is, or the hum kahan kahan pe lagate hain? जब हम मॉर्निंग बोलते हैं, व्हेन वी से मॉर्निंग, इवनिंग, राइट, आफ्टरनून, डे बिफोर यस्टरडे, समर, विंटर, स्प्रिंग, इन वर्ड्स के साथ, विद दीज टाइम एक्सप्रेशंस वी यूज द, प्लीज कीप दिस इन माइंड. When we use the time expressions in our sentences, जब हम अपने sentences में time expression use कर रहे हैं या time को express कर रहे हैं, एक particular time को express कर रहे हैं, right? Then we use the, for example, the morning, the evening, the afternoon, the spring, the winter, the day before, yesterday, right? So these are some words where we use the, right? These are some words where we use the, इन सब time expressions के साथ हम the use करेंगे. So you have to keep these words in mind that with these words we use the. कौन कौन से words? Morning, evening, afternoon, day before yesterday, the summer, the winter, the spring. With all these expressions, with all these time expressions we use the, clear? So with all these time expressions we use the. ये हमारा third use है the का, right? In our last lesson, lesson number 3, we discussed about two uses of the. In this lesson we are continuing with the same, right? So this is the third use, right? With time expressions we use the, right? And now the fourth use is when we talk about objects which are common, objects which have the common experience, right? Objects of common experience. Objects of common experience. ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस. जब हम कॉमन एक्सपीरियंस के ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम द लगाएंगे. अब कॉमन एक्सपीरियंस के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे? ऐसे कौन से कॉमन चीज़ें हैं जहाँ पे हम द लगाते हैं जब हम उनकी बात करते हैं? जैसे कि पार्क, द पार्क, राइट? पार्क, जिम, द पार्क, द जिम, द फोन, राइट? द न्यूज़ पेपर, द पार्क, द जिम, द फोन, द न्यूज़ पेपर. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल नॉट से I will meet you in park. No, I will meet you in the park. Right? We are not concerned about which park. हम यहाँ पे इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है कि कौन से पार्क में, right? लेकिन हमें ये है कि हाँ, हम पार्क में मिलेंगे. हम तो वहाँ पर हमने द लगाना है. Not concerned about which park, but ये जो वर्ड्स हैं, ये कुछ वर्ड्स जो है, पार्क, जिम, फोन, इन सब के साथ हम द लगाते हैं क्योंकि ये जो वर्ड है ये कॉमन एक्सपीरियंस वाले वर्ड्स होते हैं, राइट? ये जो वर्ड्स हैं ये कॉमन एक्सपीरियंस वाले वर्ड्स होते हैं, इनके साथ हम द लगाएंगे. बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट विच पार्क और विच जिम और कौन सा फ़ोन और किसका फ़ोन. नहीं, हमें वो उस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि हमें कौन से पार्क में मिलना है या किसका फ़ोन है या कौन से जिम में मिलना है. लेकिन इन एक्सप्रेशंस के साथ हम द लगाते हैं, द जिम, द पार्क, द फोन. कुड यू प्लीज टेक द फोन, राइट? कुड यू प्लीज टेक द फोन. सो मीन्स वी आर नॉट कंसर्न अबाउट किसका फोन और किसकी कॉल. वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट. बट विद दिस एक्सप्रेशन, विद एक्सप्रेशन फोन, विद वर्ड फोन, वी यूज द. फोन वर्ड के साथ हम द लगाएंगे क्योंकि वो कॉमन एक्सप्रेशन का वर्ड है. उसके साथ द लगाएंगे, पार्क के साथ द लगाएंगे, जिम के साथ द. आई एम गोइंग टू द जिम, नॉट आई एम गोइंग टू जिम, आई एम गोइंग टू द जिम, आई एम गोइंग टू द जिम, राइट? सो वहाँ पे हम द लगाएंगे. ओके, सो दीज आर सम वर्ड्स ऑफ कॉमन एक्सपीरियंसेस वेयर वी यूज द, राइट? दीज आर सम वर्ड्स ऑफ कॉमन एक्सपीरियंसेस, कॉमन एक्सपीरियंसेस वेयर वी यूज द. कौन कौन से वर्ड्स हैं कॉमन एक्सपीरियंसेस के? कुछ एग्जाम्पल्स मैंने भी आपको दिए हैं, जैसे द पार्क, द जिम, राइट, द न्यूज़पेपर, ओके, द फोन, द टॉयलेट, राइट? सो दीज आर द प्लेसेस वेयर वी
ऑल गो फॉर द सेम रीजन और फॉर द सेम पर्पस, राइट? हम जिम में जाएंगे, सब लोग जाएंगे एक सेम पर्पस के लिए जाएंगे, राइट? हम लोग पार्क में जाएंगे एक सेम पर्पस के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे हम द लगाएंगे, बिकॉज दीज आर द वर्ड्स विच वी यूज फॉर द सेम एक्सपीरियंस, विच वी ऑल यूज फॉर द सेम एक्सपीरियंस, राइट? सो देयर वी यूज द, विद ऑल दीज वर्ड्स वी यूज द वर्ड्स ऑफ कॉमन एक्सपीरियंसेस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन एक्सपीरियंसेस और प्लेसेस ऑफ कॉमन एक्सपीरियंसेस वी यूज द. तो अभी दो कौन से यूजेस कर रहे हैं, पहला टाइम एक्सप्रेशंस. जब हम टाइम एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, टाइम एक्सप्रेशन मतलब कि जहाँ पे मैं मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे, टुमोरो, देयर वी यूज द, राइट? सेकेंड कौन सा मैंने डिस्कस किया है आज, ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन एक्सपीरियंसेस. वेन वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन एक्सपीरियंसेस, वेयर वी ऑल हैव द कॉमन एक्सपीरियंस, राइट? जहाँ पे हम सबको एक कॉमन एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करते हैं, उन जगहों के साथ या उन वर्ड्स के साथ या उन ऑब्जेक्ट्स के साथ हम लोग द लगाते हैं, राइट? ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन एक्सपीरियंसेस. मैंने कौन कौन से एग्जाम्पल अभी आपको यहाँ पे दिए, द पार्क, द फोन, द पार्क, द फोन एंड द न्यूज़पेपर, राइट? सो दीज आर सम वर्ड्स, द एग्जाम्पल विच आई हैव गिवन यू फॉर कॉमन एक्सपीरियंसेस, राइट? इनके साथ भी हम लोग द लगाएंगे. नेक्स्ट इज व्हेन वी टॉक अबाउट नेचर एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, राइट? व्हेन वी टॉक अबाउट नेचर एंड एनवायरमेंट, नेचर एंड एनवायरमेंट, nature and environment, sorry the board is quite small, so I hope it is visible to you. Third use is nature and environment, right? Nature and environment, third use कौन सा है, जहाँ पे हम nature के बारे में बात कर रहे हैं या environment के बारे में बात कर रहे हैं, right? Nature और environment, वहाँ पर हम लोग the लगाएंगे, okay? First use is time expression, second use is objects of common experiences, and third use is nature and environment, right? And third use is nature and environment, जहाँ पर हम nature की बात कर रहे हैं और environment की बात कर रहे हैं, लेकिन हम generally बात कर रहे हैं, एक general बात कर रहे हैं nature के बारे में या environment के बारे में, nature के बारे में या environment के बारे में हम लोग generally बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम the लगाएंगे, ओके? सो कौन कौन से हमने तीन पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, फर्स्ट कि हम टाइम एक्सप्रेशंस के साथ द लगाएंगे, टाइम एक्सप्रेशन मींस मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, राइट? ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके साथ हम द लगाएंगे, ये कुछ टाइम एक्सप्रेशंस हैं जिनके साथ द लगाएंगे. सेकेंड है ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन एक्सपीरियंसेस, वो ऑब्जेक्ट्स या वो प्लेसेस जहाँ पे हम एक कॉमन एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, राइट? उनके साथ हम लोग द लगाएंगे, जैसे द पार्क, द फोन, द जिम, राइट? इनके साथ हम लोग द लगाएंगे. एंड थर्ड इज नेचर एंड एनवायरनमेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट नेचर एंड एनवायरनमेंट इन अ जनरल वे, राइट? व्हेन वी टॉक अबाउट नेचर एंड एनवायरनमेंट इन अ जनरल वे, देन वी यूज द विद दैट, राइट? देन वी यूज द वेटर. सो हमने इन टोटल फाइव यूजेस डिस्कस किए हैं द के, दो यूजेस हमने डिस्कस किए थे हमारे लास्ट लेसन में, लेसन नंबर 3 में. इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट लेसन, इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू द लेसन, प्लीज गो एंड चेक दैट लेसन नंबर 3. एंड इन लेसन नंबर 4 वी हैव डिस्कस 3 यूजेस, फर्स्ट इज टाइम एक्सप्रेशन, सेकेंड इज वेन वी टॉक अबाउट द नेचर एंड एनवायरमेंट जनरली, एंड थर्ड इज ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमन एक्सपीरियंसेस, राइट? इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दीज 3 यूजेस, और आपको इनको और इनके बारे में आप फर्दर कुछ और एग्जाम्पल्स चाहते हैं या और इनके बारे में और क्लैरिटी चाहते हैं, कुछ क्वेरीज आपकी हैं, तो प्लीज गो एंड चेक दिस लेसन एंड पुट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड काइंडली आस्क मी द क्वेश्चन इफ यू वॉन्ट. आई विल क्लियर दोज क्वेश्चन इन माई नेक्स्ट लेसन. हैव अ वंडरफुल डे.